Hi friends, welcome to our channel Edumens. Edumens में पुनः आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच रोल ऑफ इंडियन पॉलिटी इन यूपीएससी एग्जामिनेशन का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, रोल ऑफ इंडियन पॉलिटी इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है, यूपीएससी का एग्जामिनेशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी में जो आईएएस का आईपीएस का जो एग्जामिनेशन होता है, आईएएस आईपीएस आईएफएस, तो आपको मालूम है कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन लेता है वो 3 टायर एग्जामिनेशन है। मतलब 3 एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपका एक होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। तो मेरे दोस्तों, इंडियन पॉलिटी, आज का वीडियो में आप लोग देख पाएंगे कि जो इंडियन पॉलिटी जो विषय है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो विषय है, उस विषय का यूपीएससी के एग्जामिनेशन में क्या इम्पोर्टेंस है, उस विषय का यूपीएससी के एग्जामिनेशन में क्या रोल है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर मैं यूं ही अगर आपको इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताता तो आप बिलीव नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं आप लोगों के बीच कुछ डाटा लेकर उपस्थित हूँ। पीवाईक्यू का डाटा लेके मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, यानी यूपीएससी प्रत्येक साल एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, और आपको मैं बता दूं कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल एक नियत समय पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है और रिजल्ट भी देती है। दोस्तों, तो यूपीएससी में आप देखेंगे कि जो 2 एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स और मेंस, तो प्रीलिम्स और मेंस में कितने कितने क्वेश्चंस पीवाईक्यू में पूछा गया है, यानी इंडियन पॉलिटी का जो वेटेज है वो क्या है, उसका एनालिसिस हम लोग करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स का नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन होता है पीटी, ठीक है, प्रीलिम्स में इंडियन पॉलिटी से किस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछा गया है, उसका आप अगर एनालिसिस करते हैं, इस टेबल पे अगर आप नजर डालते हैं, जब आप इस टेबल को आप देखेंगे मेरे दोस्तों, तो आपको ये समझ में आएगा, जब आप इस टेबल से गो थ्रू जाएंगे तो आप यह देख पाएंगे कि जो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा गया है वो है 6। ये मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, और अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो वो है 22। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें मिनिमम 6 क्वेश्चन और मैक्सिमम 22 क्वेश्चंस पूछा गया है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। तो इससे आप इसका वेटेज खुद समझ सकते हैं कि इस एग्जामिनेशन में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्या वेटेज है। अगर वही हम बात करें मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस एग्जामिनेशन में आप इस टेबल को अगर आप देख रहे हैं, इस टेबल पे अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि मिनिमम जो मार्क्स पूछा गया है, मिनिमम मार्क्स नंबर ऑफ मार्क्स अलॉटेड मेंस में जो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से मिनिमम मार्क्स आया हुआ है वो है 47, और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 125। दोस्तों, लास्ट 5 ईयर में आप देख रहे हैं कि 125 125 125 125 आ रहा है। मतलब ये है कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो जीएस पेपर 2 जो होता है उसका मार्क फिक्स कर दिया गया, 125 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो आपने ये देखा कि यूपीएससी एग्जामिनेशन का जो 3 टायर एग्जामिनेशन है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस में इंडियन पॉलिटी का क्या वेटेज है। तो इंडियन पॉलिटी का दोस्तों एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप
चाहते हैं कि आपकी सक्सेस श्योर हो, अगर आप इस एग्जामिनेशन में अपने आप को एक सफल छात्र के रूप में, एक सफल अभ्यर्थी के रूप में देखना चाहते हैं, तो आप इंडियन पॉलिटी से भाग नहीं सकते हैं। इंडियन पॉलिटी का एक आप सुनियोजित तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। इंडियन पॉलिटी का सुव्यवस्थित तरीके से प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि जीएस पेपर में आप कैसे उसको अच्छा से अच्छा तरीके से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक वीडियो मैंने दे रखा है कि हाउ टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आप उसको, आपको क्या क्या चीज़ें, किन किन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और कैसे आप अपनी तैयारी को एक नया रोडमैप दे सकते हैं, एक नया रास्ता दे सकते हैं, ताकि आपको सफलता, आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वो वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये था आपका रोल ऑफ इंडियन पॉलिटी इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आप इस चैनल को, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो आपको अपलोड किया जाता है, आपकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे, और इसका भरपूर फायदा आप उठा सकें। धन्यवाद।